खबर है, एसपी विधायक पूजा पाल के भाई पर हमला हुआ, हमले की कोशिश हुई है, हमलावरों ने गाड़ी के पीछे बम से किया है हमला। ये बड़ी खबर आ रही है, सफारी गाड़ी के पीछे दो बार हुए तेज धमाके, नीवा इलाके में हुए हैं धमाके, धूमनगंज थाना इलाके का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से। एक और बड़ी खबर, गुफरान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुफरान क्या अपडेट है, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की विधायक है कौशाम्बी के चैल से, उनके भाई के ऊपर हमले की जो कोशिश है वो की गई है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनका घर है, बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम वो घर। ठीक है, पूजा पाल जी हमारे साथ जुड़ गई है, आ रहा हूँ गुफरान, आ रहा हूँ। पूजा पाल जी स्वागत है आपका, क्या हुआ मैडम एक बार तफसील से बताएंगे दर्शकों को, हमला हुआ है? फोन कट गया, ठीक है गुफरान अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए वो घर से किसी काम से बाहर निकले हुए थे, घर के वापस शाम के वक्त आते समय उनके ऊपर हमले की कोशिश की गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि उनको किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई है, और ये एक नहीं बल्कि दो प्रयास किए गए। एक जगह जब वो सामान ले रहे थे घर का, उस दरमियान भी कोशिश की गई, उसके बाद वहां से निकले जब घर के पास पहुंचते हैं वहां पर भी हमले की कोशिश की जाती है। बताया जा रहा है कि देसी बम था, धमाका हुआ, आसपास के लोगों ने भी इस बात को सुना, लेकिन राहत भरी खबर यही है कि कोई चोट या कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जो तहरीर है वो पूजा पाल की तरफ से संबंधित थाना जो धूमनगंज है वहां पर दी गई है। पूजा पाल बीएसपी विधायक राजू पाल की पत्नी है, उनकी हत्या 2005 में हुई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से उनके तमाम विरोधी हैं, माफियाती कहमत हो या फिर उसके गुर्गे हो, इन सभी से उनकी रंजिश है। इस मामले का जो मुकदमा है वो ट्रायल सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, और उनके भाई के ऊपर हमले की कोशिश जो की गई वो अपने आप में गंभीर प्रकरण हो जाता है। क्या बम फेंका गया है, केवल गाड़ी पर बम फेंका गया है? बिल्कुल, देखिए बाइक से वो जा रहे थे, इस तरीके की अभी जानकारी जो सामने आई है, तभी उनको टारगेट करके उन पर बम फेंक किया गया है। हालांकि कोई चोट नहीं आई है, कोई किसी तरीके की कोई खरोंच नहीं आई है, लेकिन हाँ हमला जो हुआ है, हमले में जो धमाका हुआ है बम का, उसको आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी सुना। ठीक है, पूजा पाल जी जुड़ गई है, पूजा पाल जी स्वागत है आपका। पूजा पाल जी क्या हुआ एक बार जरा दर्शकों को बताएंगी, हमला हुआ है आपके भाई पर? ऐसा है, वो कल कोई काम से उधर मुंडेरा की तरफ गए थे, वो वापस आ रहे थे, तो हमारे लोग की तरफ एक केशव नगर कॉर्नर की जूस की दुकान है, तो वही वो कुछ सामान के लिए वो नीचे उतरने गाड़ी से अपने उतर रहा था, तभी उसकी गाड़ी के जस्ट साइड से ही क्या कहते हैं बहुत तेज धमाका हुआ और एकदम धुआं धुआं हो गया। वहाँ के लोग भी ने देखा और सुना कि मेरे पास ये फोन आए, और उसके बाद फिर वहाँ गाड़ी में बैठ के जैसे नीमा भागा, जैसे मेरे घर की तरफ गया है मुड़ने लगा, फिर वही गाड़ी के सामने ही दूसरा धमाका कर दिए। तो ये है कि जांच का विषय है कि मतलब कि ये इस तरह से कैसे लोग क्यों कर रहे हैं या क्या वजह है, इनके पीछे कौन लोग हैं। हाँ, कौन सी गाड़ी में मौजूद थे आपके भाई? फॉर्च्यूनर थी, ब्लैक कलर की। कौन लोग हो सकते हैं ये, किसी पर शक है आपको? ये सर क्या, क्योंकि देखिए वो देखे तो है नहीं, क्योंकि धुआं इतना हो गया और तुरंत मतलब कि घटना करके भाग गए, तो वो भी क्योंकि अकेला था वो भी भागा, तो उसको सुरक्षा है नहीं है तो वो भी भागा, तो उस जरिए से वो देख नहीं पाए कि कौन कौन थे या कैसे थे। कई लोग थे या एक आदमी था, पूजा पाल जी कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं नहीं, देख नहीं पाए हैं वो, जब हम लोगों ने पुलिस को ये सूचना दी है तो पुलिस वाले सब आए हैं, वहाँ पे जो अगल बगल जो कैमरे लगे हैं वो सब अपना निकाले हैं, निकाल के अपना ले गए हैं, देख रहे हैं। जब पूजा पाल जी, चूंकि आपके परिवार पर हमला हुआ है तो लोग जो है इसको अतीक अहमद से भी जोड़ कर देख रहे हैं? देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि देखिए हम वही मुकदमा लड़ रहे हैं, ठीक है ना, और इस तरह से घटना अभी ही क्यों हो रही है, तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भी घटना हुआ है तो हम देख करके हम बैठ जाएं, क्योंकि दुश्मनीदार आदमी है, उनके लोग भी जो गुर्गे हैं वो नीमा में रहते हैं, तो वो भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं है, क्योंकि भाई ना चलता भाई 3 किलोमीटर तीन किलोमीटर के अंतराल में ये ऐसा हो रहा है, एक जगह चलता तो कोई बात नहीं है, मगर जस्ट फिर जब वो गाड़ी घर की तरफ जाती है तो फिर चल जा रही है, तो ये सोचने वाली बात है, ये जांच की विषय की बात है, ये जांच हो, इसके पीछे क्या है कैसा है जांच करें। ठीक है पूजा पाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो पूजा पाल हमारे साथ थी और उन्होंने बताया कि आखिर वहां पर क्या कुछ हुआ है।